सो भाइयों और बहनों, आज हम लोग का सेमेस्टर 4 का इंडियन इकोनॉमिक बात नहीं, इंडियन इकोनॉमी का पहला क्लास है। इंडियन इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स से दो पार्ट में हम लोग का इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है। जो बच्चे पहली बार क्लास करो उन लोगों के लिए बता दे रहे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी दो पार्ट में हम लोग का क्लास जो है डिवाइडेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तीन चैप्टर है जिसमें से एक चैप्टर मोनोपोली पूरा कंप्लीट करवा दिया आपको, और आज इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट क्लास है। इंडियन इकोनॉमी का पहला, इंडियन इकोनॉमी का यूनिट वाइज अगर आप जाएंगे, सीयू के यूनिट वाइज अगर जाएंगे तो यूनिट 4, तो हम लोग के बुक में भी टाइपिंग किया हुआ यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम है बेसिक इश्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये चैप्टर में ना बेसिक कॉन्सेप्ट खाली पढ़ना है, चैप्टर 5 ही मार्क्स का है बाबा, सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में। एमसीक्यू से पूरा इकोनॉमिक्स एमसीक्यू है। यही चैप्टर फिर आपको सेम 5 में भी पढ़ोगे, लेकिन सेम 5 में बड़ा करके पढ़ोगे, वहां भी 6 ही मार्क्स का है, लेकिन वहां पे बहुत पढ़ना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ता है ना, नॉन एमसीक्यू है। यहां पे एमसीक्यू है, तो आज पढ़ाएंगे और एक क्लास पढ़ाएंगे कंप्लीट। वैसे तो ये एक ही क्लास का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझाएंगे आपको, इसीलिए दो क्लासेस में लग जाता है। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी, आज का टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला वर्ड जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? सो गाइस, एक वर्ड में आपको बता रहे, जो भी कुछ यूनिक बताएंगे अलग बताएंगे उसको वहां पे लिख लिया करिएगा। ग्रोथ का मतलब क्या होता है बाबू? ग्रोथ का मतलब होता है गाइस, ग्रोथ इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जब क्वांटिटी के टर्म्स में आप आगे बढ़ते हो इसको ग्रोथ कहते हैं, एंड जब क्वालिटी के टर्म्स में इंप्रूवमेंट होता है इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज, ग्रोथ इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ग्रोथ हमेशा किसके टर्म्स में होता है बाबू? क्वांटिटी। डेवलपमेंट किसके टर्म्स में होता है? क्वालिटी। ध्यान से सुनिए, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे इकोनॉमिक्स में फर्स्ट जाएंगे, एग्जाम में क्या हो जाएंगे? फर्स्ट जाएंगे। इसे ध्यान से सुनिए, जल्दी बताइए, ग्रोथ इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, डेवलपमेंट क्वालिटी, डेवलपमेंट क्वालिटी, ग्रोथ क्वांटिटी, ग्रोथ क्वांटिटी, डेवलपमेंट क्वालिटी, डेवलपमेंट क्वालिटी, ग्रोथ क्वांटिटी। ठीक है, अब हम आप लोग से क्वेश्चन पूछते, बताइए। जैसे देखो आप लोग के ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को अगर हम एग्जांपल नहीं देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। इसको समझने के लिए आप अपने आप को देखो ना, बहुत बार मम्मी क्या बोलती है कि इतना बड़ा हो गया बुद्धि नहीं, मतलब मम्मी इंग्लिश में क्या बोलने मांग रही बताए? शी वॉन्ट्स टू से कि आपके अंदर ग्रोथ हुआ है डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ हुआ है डेवलपमेंट नहीं हुआ। बहुत बोला गधा जैसा हो गया बुद्धि नहीं, मतलब शी वॉन्ट्स टू से गधा जैसा हो गए हो, ग्रोथ हो रहा है तुम्हारे शरीर में, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। क्योंकि सुनिए, डेवलपमेंट तो मेंटल होगा, फिजिकल ग्रोथ होता है। तो भाइयों और बहनों, जैसे इसको देखिए, इंडिया में ही क्या है, स्कूल्स का संख्या बढ़ा, लेकिन स्कूल के में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो तो इंप्रूव नहीं हो रहा। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कूल दैट मीन वी आर ग्रोइंग, बट व्हेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव्स दैट मीन वी आर डेवलपिंग। वेस्ट बंगाल में भी यही है, बिहार में भी वैसे ही है। बिहार वेस्ट बंगाल में भी देखोगे ऐसे ही है, स्कूल का संख्या कितना हो गया, पहले कम स्कूल थे, अभी कितने सारे स्कूल खुल गए, बहुत सारे स्कूल बन गए हैं, लेकिन क्या नहीं है बताइए? हम लोग के पास स्कूल पढ़ने से नहीं होता, स्कूल में टीचर ही नहीं, टीचर है तो पढ़ा नहीं पा रहा, पढ़ा तो अनसन पढ़ा दे रहा, अनसन पढ़ा दे रहा तो उसको दिक्कत हो रहा। तो मतलब लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्वांटिटी में ग्रोथ हो रहा है, क्वालिटी में डेवलपमेंट नहीं, ब्रिज बन रहा क्वांटिटी टूट जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है बताइए? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है। तो ग्रोथ इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ क्या बताइए? क्वांटिटी, एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है वो? ब्रॉड। कैसे कॉन्सेप्ट बताइए? ब्रॉड। बस इकोनॉमिक्स तो माय डियर स्टूडेंट पानी है, पानी क्या है? पानी। बस समझे ना, इकोनॉमिक्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा। आपको ये बात हमने आपको 12 में भी कहा था कि आप लोग इकोनॉमिक्स हमेशा रहेगा। फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स था लेकिन वो तो ऑनलाइन देखकर निकल गए। इसमें सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स है, ये भी बहुत इजी लगा। थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स भी इजी है अगर समझ जाएंगे तो। अगर आप फ्लो में क्लास कर रहे हो, रेगुलर क्लास कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप फिर बंक मारना शुरू कर दीजिएगा तो आप अभी आप बंक मारिएगा, एग्जाम में सम्स बंक हो जाएगा। तो इसी ज्ञान के साथ जल्दी बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ किसमें होता है बाबू? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ग्रोथ, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ग्रोथ, डेवलपमेंट, गुड। उसके बाद कौन सा वर्ड नैरो है? नैरो, नैरो कौन है? ग्रोथ। कौन सा ब्रॉड है? तो सर हम लोग कहाँ खड़ा हो तो बताइए, इंडिया कहाँ है, ग्रोथ में है कि डेवलपमेंट? देखिए डेवलपमेंट से तीन शब्द निकलता है, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री।
बट अगर सच मायने में आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताएं, डिटेल में बताएं, तो दो ही वर्ड है, एक है डेवलप और दूसरा है अंडर डेवलप। डेवलपिंग तो एक शब्द है जो इंसानों ने बना दिया है। जैसे इंडिया, जब हम 2011 में उच्च माध्यमिक दिए थे तब भी हम यही पढ़े थे इकोनॉमिक्स में कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। और आज जब आपको 2023 में पढ़ा रहे 12 साल बाद, तो ये आपको क्या पढ़ा रहे, इंडिया इज अ और आपने आपके बच्चे लोग जब पढ़ाई करेगा आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद, शादी नहीं करोगे? करोगे ना भाई, शादी भी तो होगा आप लोग सभी का, तो भाई इंसान हो, नॉर्मल हो ना। बस तो कुछ बच्चा तो ब्लेस करना शुरू कर दिया अभी से, कुछ बच्चा अभी शॉर्ट टर्म में प्लान कर रहे। तो सुनिए, काम का बात सुनिए, आप लोग देखिए इतना देर से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, शादी का बात खूब रिएक्ट कर रहे, फुल रिएक्शन हो रहा है। आप लोग का बेटा बेटी लोग जब मेरे पास पढ़ने के लिए आएगा, माय डियर स्टूडेंट, देखिए हम तो पढ़ाते ही रहेंगे, मैं तो काम ही यही है, ठीक है ना। तो देखिए कॉमर्स नहीं लेगा, बात समझिए, कॉमर्स नहीं लेगा तो आप कौन सा यूपीएससी कर लिए, तो भी तो बेटा इसी करेगा ना। सबसे इजी सब्जेक्ट क्या है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तीनों में सबसे इजी कौन सा, कॉमर्स। ये लोगों का मिसकॉन्सेप्शन, आप लोगों को भाई बहन 10 में होगा उसको सिखाइएगा, ये मिसकॉन्सेप्शन है कि आर्ट्स बहुत इजी होता है, आर्ट्स टफ है। क्यों बोलो, आर्ट्स में बहुत पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स में खाली ट्यूशन पढ़ो पास हो जाओगे, खाली क्लास अगर ट्यूशन नहीं भी पढ़ के अगर खुद भी थोड़ा बहुत करके वीडियोस देख के भी करोगे पास हो जाओगे। कॉमर्स हार्ड ही कितना बताइए, लास्ट के कैप्सूल का वीडियो से तो बच्चे लोग पास हो जाते। तो माय डियर स्टूडेंट इतना इजी है, नहीं नहीं वो कहीं भी आप थोड़ा बहुत करके भी करेंगे तो हो जाएंगे पास हो जाएंगे। 11th 12th का बात है, 11th 12th तो कॉमर्स में बहुत हलवा है, क्या बाबू हलवा ऐसे निकालिए पूरी में मिला है खा जाए, तो जल्दी बताइए इसी बात पे। तो कॉमर्स लेना जीवन का सबसे सही डिसीजन था आप लोग का, देखिए इससे चेहरा पे मुस्कुराहट आप लोग का, नहीं पढ़ के फिर भी खुश है, पास तो हो ही जाएंगे कम से कम मार्क्स के बाद। आप लोग जीवन में क्या इतना चिंता नहीं है, अभी साइंस ले लेते किसी कोना में पड़े होते पढ़ाई का चिंता में, मैं कहूँ माँ बस अमर है ना। तो जल्दी बताइए ग्रोथ क्या है, क्वांटिटी की क्वालिटी, क्वांटिटी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ग्रोथ, रटा देंगे। और कौन सा वर्ड नैरो है बताइए, कौन सा ब्रॉड है, कौन सा ब्रॉड है, कौन सा नैरो है, नैरो नैरो ब्रॉड ब्रॉड नैरो नैरो ब्रॉड, याद हो गया, क्लियर है गाइस, चलिए पढ़ते हैं डिटेल। अच्छा जो बता रहे थे, डेवलपमेंट से तीन वर्ड निकला है, डेवलपिंग डेवलप और अंडर डेवलप, ये चार दीवारी में ये बात है, किसी का लीक नहीं होना चाहिए बाहर में। आप लोगों को पर्सनली बता रहे माय डियर स्टूडेंट, पर्सनली ये बता रहे आप लोगों को कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं लोग, हम लोग इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बट एक्चुअली क्या है इसमें हम लोग का क्वालिटीज जो है ना अंडर डेवलप से ही मैचिंग करता है। बात समझ में ना, आप ये मत सोचो, देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, आप कोलकाता में रहते हो तो लोगों आपको ये लगता होगा कि कोलकाता बहुत डेवलप है तो पूरा इंडिया ऐसा होगा। तो कोलकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई पढ़ाया था ना टैक्स में, KDMC, कोलकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, ये डेवलप सिटीज है। अगर आप इन चार शहर में से किसी भी शहर में रहते हो तो वहां से आप पूरा इंडिया को मत देखिए। अगर इंडिया को देखना है, वेस्ट बंगाल की बात करिए ना, वेस्ट बंगाल, आप लोग हम लोग को क्या लगता है वेस्ट बंगाल बहुत डेवलप है, नहीं। अगर हम गलत बोल रहे हैं, आप लोग तो ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हो, बच्चे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हो, आप जाके अपना जिला में देखिए, अपना गांव में देखिए, कहाँ डेवलपमेंट है बताइए। कोलकाता डज नॉट मीन वेस्ट बंगाल, तो वैसे तो पटना भी बहुत डेवलप है बिहार में, वो छोड़िए ना, एक जिला कोलकाता इज नॉट द वेस्ट बंगाल, कोलकाता इज द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो कोलकाता का डेवलप होने का मतलब ये नहीं कि पूरा वेस्ट बंगाल डेवलप है, बस समझे ना। वेस्ट बंगाल और बिहार में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता होगा डिफरेंस है ना, तो आप कभी ना ग्रामीण एरिया में वेस्ट बंगाल में जाएंगे आपको लगेगा गाँव ही तो है। आप पूर्वी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, आप मेदनीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, आप मालदा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, बहुत सारे अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट तो ऐसा भी है वेस्ट बंगाल में, बहुत सारे हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे रोडवेज भी नहीं है, कनेक्टिविटी भी नहीं है, लोग अभी भी बहुत स्लम लाइफ जीते, बीपीएल के लिए नीचे 40% लोग बीपीएल के नीचे, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, पूरा फैक्ट्स के साथ आपको बता रहे, कोई भी चीज अपना मन से नहीं बता रहे, कहानी नहीं सुना रहे आपको, फैक्ट्स के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट अंडर डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा इंडिया में, और इंडिया में भी बहुत सारा जगह ऐसा है जहां पे अभी भी बिजली नहीं, मोदी जी कुछ भी बोल दीजिए, हम लोग कुछ भी बोल दीजिए, आप लोग कुछ भी बोल दीजिए, आप कोलकाता में रहते हैं इसलिए आपको लगता है जीवन बहुत आसान है। वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे, आपको बताया इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में इतना सारा फैसिलिटीज है गाइस, फिर भी वेस्ट बंगाल में जो बच्चे लोग टॉप करते हैं ना बंगाल में उच्च माध्यमिक में माध्यमिक में, वो लोग गाँव देहात के बच्चे लोग ही टॉप करते हैं। क्यों बोलिए, रिसोर्सेज देखिए, जब तक आपके जीवन में दिक्कत होता है तब तक आप बहुत एफर्ट देते हो, जैसे आपके जीवन में कंफर्ट आता है आप एफर्ट देना छोड़ देते हो, तो जब उन लोग के पास देखिए भाई कंफर्ट जोन में जाएंगे ना आप, तो आप एफर्ट नहीं दे पाएंगे इस बात से, इसीलिए खटना चाहिए आपको। जब बात समझिए, जो लोग जैसे हम लोग कोलकाता में जो लोग रहते हैं, अकाउंट्स का ट्यूशन लिया, बीएसटी का ट्यूशन लिया, इकोनॉमिक्स का ट्यूशन लिया, कॉस्टेक्स का ट्यूशन लिया, हिंदी का ट्यूशन लिया, इंग्लिश का ट्यूशन लिया, मार्क्स सारा 40% कोलकाता में जो बच्चे, जो रियलिटी है भाई, आपका आपका दिल जानता होगा हम गलत बोल रहे तो, और गाँव देहात के बच्चे लोग ट्यूशन नहीं लेते,
सेल्फ स्टडीज, एक एक्टिव ट्यूशन लिया लिया नहीं लिया, वो लोग ट्यूशन भी नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, और एट द सेम टाइम वो लोग क्या करता है ना, सेल्फ स्टडी बहुत करता है, किताब किताब में जितना आप एफर्ट देंगे, किताब में जितना आप लोग पता है जो लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, यूपीएससी क्लियर करने लोग कौन से लोग होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत कम ही होते हैं यूपीएससी क्लियर करने वाले, आर्ट्स के और साइंस के बच्चे लोग होते हैं, क्यों बोलिए, रीजन पढ़ने का आदत वो लोग को बहुत ज़्यादा, हम लोग को पढ़ने का आदत कम, क्विक रिविजन, स्लीपिंग कैप्सूल, तो ये सब का आदत है, कैप्सूल वैप्सूल लेने की आदत है, तस्वीर में नहीं तो हम यूपीएससी नहीं कर लेते, बात समझिए, लॉजिकली सोचिए, पॉसिबल ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट, हम लोग से होगा ही नहीं यूपीएससी, हमसे तो नहीं होगा यूपीएससी, तो बहुत पढ़ना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको दिन रात मेहनत करना, आज सेल्फ स्टडी में फोकस करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी दुनिया का सबसे अच्छा स्टडी है, जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिएगा ना उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, याद रखिए, अगर तीन चीज़ हम करा रहे हैं तो चार चौथा चीज़ आप खुद से घर में भी जाकर करिए, अगर आपको नॉलेज अपने आप को बूस्ट करना है तो जो यहाँ पर डेवलपमेंट का बात कर रहे थे, तो डेवलपमेंट अभी भी बहुत कम है माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इंडिया को डेवलपिंग कंट्री लोग कहते हैं किताबों में एग्जाम से, हम बात सुमित आगे बैठ के बात कर रहे हो, बात करके बोले कहाँ बात समझे, तो डेवलपिंग कंट्री समझे ना, पढ़ा रहे ना, पढ़ाने में बात करता मन कर सकते मर्डर पर्डर करते ऐसे, तो डेवलपिंग कंट्री है समझ रहे, इंडिया कौन सा कंट्री बताइए डेवलपिंग, हम लोग डेवलपिंग कंट्री अपने आप को मानते हैं, बट ये बात हम 13-12 साल से हम मान रहे, तो हम लोग का हमको तो ऐसा लगा जब से देश आजाद हुआ तब से यही लाइन बोलते लोग, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री देखिए डेवलपिंग, आप समझ रहे ना, जैसे आप ही बोलो ना, अभी 6 महीना अभी आपको कभी भी कोई मैसेज करा क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रिजल्ट में आ रहा सप्ली, तो ये क्या, यही है इंडिया का भी केस है, ऐसे ही हम लोग का पढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, बट जब भी कोई पैरामीटर चेक किया था देखते हम लोग अंडर डेवलपमेंट चले जा रहे, तो भाइयों बहनों वी आर स्टिल डेवलपिंग नेशन, तो स्टिल ठीक है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, अपना देश है, प्यार करते हम लोग देश से, बस समझे, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री में मना के बताइए डेवलप, अच्छा अब इसमें क्या है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट को ट्रू सेंस में क्या क्या होता है, अभी एक एक करके आपको हम डिटेल में पढ़ाते हैं, पहले हमको ये बता दीजिए क्वांटिटी में आगे बढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो ना, क्वालिटी में, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या, क्वालिटी, अभी आप लोग इतना कंफ्यूज हैं, अभी तो सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, अच्छा कौन सा नैरो है, कौन सा ब्रॉड है, ब्रॉड, ब्रॉड, नैरो, नैरो, ब्रॉड, फाइन, डन विद दिस, अब आइए इन इकोनॉमिक बुक में देखिए कोचिंग वाला, इन इकोनॉमिक टर्म्स डेवलपमेंट हैज बीन अंडरस्टूड और अचीव्ड सस्टेनेबल रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम पर कैपिटा टू इनेबल द नेशन टू एक्सपैंड फास्टर देन पॉपुलेशन, बोला जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा स्पीड में जब आप बढ़ते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, जितना आपका पॉपुलेशन है उससे अगर आप फास्टर स्पीड में बढ़ते हो, देखिए आप लोग सभी बच्चे प्लीज बुक ले लीजिए क्योंकि आप लोग कुछ बच्चे मोबाइल चला रहे हो, बस समझे क्लास में, बस आप लोग कुछ बच्चे मोबाइल से देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, डेफिनेटली पढ़ाई कर रहे हो, बट उसमें क्या हो रहा है, एक दो बच्चे मोबाइल चला रहे हो, तो अभी क्या होता है ना, इससे देखिए क्या होता है, एक दो बच्चा अगर मोबाइल चलाता है उससे इन्वायरमेंट खराब रहता है क्लास का, क्या है उसके अगल बगल, देखो प्रॉब्लम क्या है, आप मोबाइल चला रहे हमको कोई दिक्कत नहीं, सर हम मोबाइल चला रहे हैं, हम अपना महिला मित्र को मैसेज कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा मोबाइल का इंटरनेट है, प्रॉब्लम हमको नहीं हो रहा, आपका बगल वाला दोस्त को हो रहा है, उसका फोकस क्या है, बार बार आपका मोबाइल में देख रहा है कि दिल किसको भेज रहे, लाल लाल दिल कहाँ भेज रहे, तो सवाल यही है प्लीज, एक 45 मिनट का तो क्लास होता है हम लोग का, एक स्कूल के कॉलेज के पीरियड की तरह ही क्लास कराते हैं हम लोग, उसमें भी अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताइए, बस समझे ना, मोबाइल चला रहे, चैट में लीन है, प्यार रूपी दुनिया में डूब गए, क्या निकलो बाहर निकलो, कब तक, अभी आप लोग का कैरियर पे फोकस करने का टाइम है गाइस, अब ये सब निकलिए, अच्छी इधर आइए, अब आइए, तो पर कैपिटा इनकम, सुने कंट्री का डेवलपमेंट आते है, जब कंट्री का डेवलपमेंट उसका पॉपुलेशन के स्पीड से ज्यादा हो, हम लोग देश में क्या एक ही चीज बढ़ रहा है, वो क्या है बाबू, पॉपुलेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन, इंडिया सिर्फ बढ़ रहा है, इंडिया में क्या बताइए पॉपुलेशन पॉपुलेशन, बताइए सब बढ़ रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज देयर इन आवर कंट्री, ब्लास्ट है पॉपुलेशन का, क्या बाबू ब्लास्ट, ओह माय गॉड, इंडिया पॉपुलेशन क्या बाबू ब्लास्ट, हम लोग का देश है आजादी आबादी बढ़ नहीं रहा, ब्लास्ट हो रहा, ब्लास्ट क्या हो रहा है वो ब्लास्ट, और अगला दिन जब आपको अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना पॉपुलेशन वाला, तो आपको लाइव आप लोगों को काउंटिंग दिखाएंगे पॉपुलेशन कैसे बढ़ा, क्लास में एकदम क्लैपिंग से भर देंगे हम लोग क्लास को, पहले अभी ये बताइए पॉपुलेशन से ज्यादा अगर डेवलपमेंट होगा तभी ना कंट्री को डेवलप कंट्री बोलेंगे, अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय इंक्रीज इन सिटीजंस लाइफ, एक देश का डेवलपमेंट उसके सिटीजन के लाइफ के क्वालिटी से पता चलता है, हम लोग का जीवन का क्वालिटी कैसा है, और इसको हम लोग जिस चीज से मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं HDI, क्या बोलते हैं अबू HDI, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अबू HDI, तो जिस चीज से बस समझे ना, जिस चीज से आप HDI आदमी के लाइफ का क्वालिटी मेजर करते हो बस समझे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अबू HDI,
समझे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि HDI का फुल फॉर्म बताइए, HDI का फुल फॉर्म आप बोलोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज क्यों होता है पता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज होता है इंसान के क्वालिटी ऑफ लाइफ को शो करने के लिए, और किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट HDI से शो किया जाता है। और इंडिया का रैंकिंग है 132, देखिए गाइस 132, 132 आउट ऑफ 191, 132 रैंक है हम लोग का आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 21-22 का डेटा है। यूएनडीपी, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड ने, ये सब क्वेश्चन है, एक एक वर्ड जो हम यूज करें सब आपका एग्जाम में क्वेश्चन है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म बताइए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बोलिए ना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बोलो ना बाबू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, रटा देंगे यूएनडीपी, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी के रिपोर्ट के हिसाब से फुल फॉर्म पूछता है, यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर, बता दिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग अभी करंट 21-22 का रैंकिंग दिया हुआ है, नेट से देख के बता रहे आपको, 21-22 का 132, मतलब दुनिया में 191 कंट्रीज में हम लोग का रैंक है 132। छी कैसा रैंकिंग है छी, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत खराब है हम लोग का, आप समझिए। देखिए अगर आप अच्छाई को स्वीकार करते तो बुराई को भी स्वीकार करिए, यही आपके अंदर होना चाहिए। यू शुड नो एवरीथिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑल्सो, पॉजिटिव बात तो बहुत पड़े, नेगेटिव भी सीखिए। खाली अपना बढ़ाई करते रहेगा ऐसे नहीं होगा, अपना बुराई भी करना सीखिए। 132 रैंक है हम लोग का, 132 रैंक अच्छा है कि बुरा है? पीछे से टॉप है सर, पीछे से टॉप है सर, यस पीछे से टॉप कर रहे हैं हम लोग 191 में ही। तो वही बात हो गया, निर्मला सीतारमन आंटी है वो ना, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, आंटी का नाम है निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जो है ना वो कहती है, क्या कहती है, वो कहती है कि उनसे पूछा गया कि मैम व्हाई द वैल्यूज ऑफ रुपीज आर डिक्रीजिंग, मतलब रुपीज का वैल्यू घट क्यों रहा, पढ़ाया था ना आपको सेंट्री में। वो बोलती ना 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 ना, ना रुपीज का वैल्यू कहाँ घट रहा, डॉलर बढ़ रहा है, क्या बोलते डॉलर बढ़ रहा है। तो वही बात हुआ, पापा आपसे मुझे फेल गया हो गया, बोला हम कहाँ फेल हुए, सब पास हो गया। ब्यूटीफुल एंगल, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव होना भी ठीक नहीं, इतना पॉजिटिव होना भी ठीक नहीं। ये बात यूट्यूब से लेकर के हर जगह बहुत पॉपुलर लाइन है निर्मला आंटी का। निर्मला सीतारमन इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है, समझे ना, और इंडिया का अभी जो हम लोग का गवर्नमेंट है उनका फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला आंटी है। तो निर्मला आंटी जो है ना उनका कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा वीक है इकोनॉमिक्स को लेकर के, वो ऐसे ही बात बोलती है। अजीब अजीब, उनसे पूछा प्याज का दाम क्या, बोला हमें प्याज खाए ना जाओ, बंगला में नहीं बोले इंग्लिश में बोला आई डोंट ईट प्याज, अजब पगली हो, बोले प्याज दिखाते हैं उफ, बात समझ रहे, देखिए ये सब चीज बात समझ रहे ना। तो क्या बोलिएगा, देश का डेवलपमेंट को खराब करने में आधा ज्यादा तो ये लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, बात समझे ना। आ जाओ नहीं अभी देखिए, अभी यहाँ पर HDI समझ गया ना, तो 132 रैंक के माय डियर स्टूडेंट पीछे हम लोग बहुत, प्लीज किसी को बोलिए ना बाहर जाकर के, बहुत खराब लग रहा। हाँ, विच इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट कंसीडर इंट्रिंसिक पर्सनल फैक्टर एंड नॉट कंसीडर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ग्रोथ जो होता है ना, ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी को आप लेते हो, पर्सनल वैल्यूज को नहीं लेते हो। लेकिन जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो उसमें देखिए क्या क्या चीज आता है, न्यूट्रिशनल लेवल, खाना का लेवल क्या है, मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है इंडिया में, मैल न्यूट्रिशन समझते हैं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हम लोग देश में जिनको खाना नसीब नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना फेंक देते हैं। अब यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग, देयर आर मेनी पीपल, आप अपना कंट्री का ही बात करें, आप दूसरा दुनिया को मत देखिए माय डियर स्टूडेंट। अगर अगर आप अपना कंट्री का ही बात करोगे, देयर आर मेनी पीपल, आप लोग में, हम लोग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग खाना को फेंक देते हैं, जितना खाना आप फेंक देते हो उतना खाना खाने के लिए लोग तरसते हैं इंडिया में। तो ये आपको समझना पड़ेगा गाइस, न्यूट्रिशनल लेवल बहुत लो है इंडिया में, मैल न्यूट्रिशन है, बहुत लोगों को सही खाना नहीं मिल रहा, साफ सुथरा खाना नहीं मिल रहा, गंदा खाना मिल रहा, फीका हुआ खाना मिल रहा है, ऐसा खाना लोग खाते हैं हम लोग के देश में, ऐसे भी है। तो ये सब कहीं ना कहीं साइन है गाइस, बोलने का आप कुछ भी बोल दीजिए कि नहीं हम लोग चांद पे पहुंच जाएंगे, बोलने का बात अलग है माइडी, क्योंकि आप लोग कोलकाता की बात समझिए, आप लोग कोलकाता में रहते हैं इसलिए फॉर अस द वर्ल्ड सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल। कोलकाता वन ऑफ द टॉप सिटीज है इंडिया का, कोलकाता बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत भी है। तो हम लोग, आप लोग को क्या लगता है कि दुनिया यही है, इंडिया यही है? नहीं बच्चों, इंडिया ये नहीं, इंडिया ऐसा नहीं है। आप बंगाल में ही रहते हैं ना, जो लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, हम लोग बिहार से, हम लोग तो बिहार देख के आए इसलिए मैं बोल रहे कि बिहार कैसा है, लेकिन वेस्ट बंगाल से जो लोग रहते हो, अगर आपको लगता होगा कोलकाता ही वेस्ट बंगाल है, तो आप वेस्ट बंगाल का किसी भी, कोलकाता छोड़ के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, इवन हावड़ा डिस्ट्रिक्ट देखिए ना आप, हावड़ा ब्रिज का इस पार तक, हावड़ा ब्रिज का इस पार तक कोलकाता है, उस पार से क्या है हावड़ा, हावड़ा शुरू होते ही खत्म है यार, हावड़ा स्टेशन तक ही सुंदर है हावड़ा। जो लोग हावड़ा से बिलोंग करते हो थोड़ा दूर आ जाइएगा, बेलूर वेलूर तक जाइएगा, वहां तक थोड़ा बहुत ठीक भी है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा आपको तो वहीं वहीं से गांव दिखने लगेगा। तो हावड़ा सेकंड बेस्ट सिटी हो गया कोलकाता का, मतलब बंगाल का हावड़ा, तो कोलकाता के बाद थोड़ा बहुत हावड़ा, हावड़ा में भी आपको दिखेगा अंडर डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत दिखेगा हावड़ा में भी दिखेगा, उससे और आगे जाइएगा डिस्ट्रिक्ट एरिया में जाइएगा, गाँव एरिया में जाइएगा, तो आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, वहाँ पर आपको पूरा गाँव की तरह ही, तो वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है,
रात के टाइम में आप ट्रैवलिंग नहीं कर पाइएगा। अगर हम गलत बोले, बोले नहीं भाई आप गलत ही पढ़ा, अगर हम गलत बोल रहे तो आप बोले कि नहीं नहीं आप गलत भी बोले, ऐसा तो नहीं है। हम देखे लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधकार है, स्कूल्स, हाँ अब क्या है, देखे देखे बाद में। सबसे अच्छा चीज क्या ना, बंगाल में एक अच्छा चीज क्या किया ना, जब से ममता दीदी वेस्ट बंगाल में सीएम बनी, सबसे अच्छा चीज वो क्या किया, एजुकेशन के लिए बहुत पैसा यूज किया, बहुत पैसा एजुकेशन के लिए, फंडिंग बहुत होता है, तो एजुकेशन में बहुत फंडिंग है माय डियर स्टूडेंट, और बंगाल में एजुकेशन पे मेहनत भी बहुत करते गवर्नमेंट। बस अब देखिए क्या है, बीच क्या लोग खराब है अच्छा है वो सब तो अलग पॉलिटिकल मैटर हो गया, जो कॉन्सेप्चुअल चीज है वो आपको बता रहे कि गवर्नमेंट एजुकेशन में बहुत खर्चा किया। आप सोचो ना, इससे फ्री क्या पढ़ाएगा आपको, चार्ट टू कॉपी वेस्ट बंगाल में तो फ्री में मिल जा रहा था आपको, कॉपी आपको फ्री में मिल रहा, आपको फंड दे रहा, आपको कन्याश्री में 25,000 रुपया दे दे रहा, उसके बाद आपको स्वामी विवेकानंद ने 12,000 रुपया दे रहा, आपको अक्याश्री जो लोग माइनॉरिटी के भाई बहन हो आप लोग को पैसा फंड दे रहा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अब इससे ज्यादा। अब आप बोलेगा सर हमको तो नहीं मिला स्वामी विवेकानंद, बाबू 60% नहीं लाए होंगे इसलिए नहीं मिला, मार्क्स कम लाओगे तो एक बट सरकार आपको फ्री में पढ़ा रहा है, उसके बाद आप मार्क्स कम लाएगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगा, बट गवर्नमेंट देता है। आप लोग जो लोग भी स्वामी विवेकानंद का बेनिफिट अवेल किए होंगे देखते होंगे ठीक पैसा आ जाता है, ज्यादा फॉर्मेलिटी ज्यादा झमेला भी नहीं, स्टडी में थोड़ा एफर्ट लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट ही देखिए, सरकार तो कर रहा कोशिश लेकिन डेवलपमेंट क्यों नहीं है, मेल न्यूट्रिशन है, गरीबी है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन अराउंड 12-14 करोड़ बंगाल का पॉपुलेशन है, हम लोग वेस्ट बंगाल में से बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको पढ़ा रहे, 12-14 करोड़ हम लोग का स्टेट का आबादी, बस हमें हल्का में ले रखा, हाँ वेस्ट बंगाल में हम लोग हेल्थ सैनिटेशन गंदगी, हेल्थ का सिचुएशन पूरा इंडिया में देखिए, कोलकाता अभी तो फिर भी बंगाल में कोलकाता में हॉस्पिटल का संख्या हॉस्पिटल का कंडीशन बहुत अच्छा हो गया माय डियर स्टूडेंट, अभी वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, नो डाउट अभी भी बहुत अच्छे हो गए हैं, बंगाल पूरे बंगाल में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर आप देश ग्राम एरिया में जाएंगे ना रूरल एरिया में फिर वहां भी आपको रूरल देखिए बात प्रॉब्लम क्या है, देखिए डेवलपमेंट शहर को देख के नहीं होता है, डेवलपमेंट तब होगा जब आपका गाँव डेवलप होगा, बात को समझिए, वेन यू सी डेवलपमेंट वेन यू से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज सीन इन टर्म्स ऑफ द रूरल एरियाज नॉट इन द अर्बन एरिया। एक बात बताइए, शहर तो अच्छा होगा, बिहार में भी तो पटना बहुत खूबसूरत है, बिहार में भी अगर आप पटना में जाएंगे तो शहर ही है माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको डेवलपमेंट देखना है तो गांव में जाइए, एकदम रूरल एरिया में जाइए, एकदम गांव देहात में चले गए, सोनापुर की तरफ चले, एकदम अंदर एरिया में चले, ये गांव बका चारों तरफ, यहीं पे चीना मंदिर के अंदर चले जाइए, पूरा गांव चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, जिलों का घर चीना मंदिर में पता होगा, चीना मंदिर एकदम अंधकार ही अंधकार है, पेड़ पौधा गाछ वृक्ष है, मच्छर काट रहा, अरे मच्छर तो खैर यहाँ भी काटता है, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे राइनोसोरस काटता है तो मच्छर तो वहां भी काटता है, ठीक है बट इट्स ओके। तो डेवलपमेंट किसमें होता है, रूरल एरियाज में, मेल न्यूट्रिशन के कारण डेवलपमेंट हम लोग का नहीं हो पा रहा, पर सैनिटेशन साफ सुथरा नहीं है, हेल्थ नहीं है, बहुत सारे लोग पहले तो बीमारी से हॉस्पिटल में जाते जाते ही मर जाते थे, अभी ये सब चीज का सुविधा है, तो इसीलिए डेवलपिंग बोला गया कि ये सब चीज में वर्क हो रहा है, काम हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा बात नहीं, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी देखे नहीं, बॉन्डिल गेट जिस एरिया से हम ट्यूशन पढ़ा रहे ये एरिया भी तो अंडर डेवलप ही हो गया, पीने का पानी नहीं है, केएमसी का घर आता है ना केएमसी का, बोले सर केएमसी दे रहा, केएमसी का गाड़ी आ रहा लोगों को बिल्डिंग से उतर करके, बिल्डिंग से देखिए अच्छा अच्छा बिल्डिंग में आदमी रह रहा, ये एरिया में बहुत अच्छा सीन है, ये हम लोग का बॉन्डिल गेट एरिया में आदमी अच्छा अच्छा बिल्डिंग में रहता है, अच्छा हाई प्रोफाइल आदमी है, डब्बा लेके बाल्टी लेके पानी लेके उतर रहा, अगर आप गलत बोले तो बोले कि नहीं गलत बोले नहीं आप गलत छिपाड़ा आराम से पानी लेके आना पड़ा, फिर आप बोले सर तब घर में प्योरीफायर लगा लेगा, प्योरीफायर लगाना तो पड़ा ना, खर्चा तो पड़ा ना, क्योंकि पानी तो नॉर्मल चीज है, पानी तो बेसिक चीज होता है, तो आप सोचिए जब बॉन्डल गेट जैसा हाई प्रोफाइल एरिया ऐसा हम लोग मानते हैं ऐसे है नहीं तो उस एरिया में जब मान लीजिए इतना पानी का किल्लत है माय डियर स्टूडेंट, तो जबकि हम लोग अब इंडिया में पानी है चारों तरफ तो पानी ही है ना, फिर भी देखिए पानी का दिक्कत है, पीने वाला पानी नहीं है ना भाई, पानी तो बहुत है, पीने वाला पानी का दिक्कत है, पीने वाला कौन वाला, खबर जल नहीं कि नहीं खबर जल। तापर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन गाइस यू ऑल आर प्रोबेबली वैक्सीनेटेड, आप लोग सारे लोग वैक्सीनेटेड हो, बचपन में पोलियो लिया, बड़ा होकर के कोरोना वाला लिया, अच्छा ना, तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए, तो वैक्सीनेशन कंट्री में अच्छे से हो रहे कि नहीं हो रहे, सैनिटेशन साफ सुथरा है कि नहीं है, खाना वाना का व्यवस्था सही से है कि नहीं, कहीं लोग खराब खाना गंदा खाना मेल न्यूट्रिशन तो नहीं हो रहा उन लोगों का देश में, हम तो देश में ये सारा चीज़ है कहीं ना कहीं। एजुकेशन का लेवल बहुत मैटर करता है, स्कूल है देखिए, पहले गवर्नमेंट स्कूल नहीं था, अभी स्कूल का संख्या बढ़ गया, पहले आपको पता है पहले गाँव में जब हम लोग रहते थे, हम लोग जब बिहार में रहते थे पूरा गाँव में एक तो स्कूल होता था, पूरा गाँव तो बहुत कम बोल दिया, एक तो जिला में ना एक तो हाई स्कूल होता था, तो लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती ही नहीं थी, लड़कियाँ इसलिए नहीं आती थी मम्मी पेरेंट्स नहीं भेजते थे, कोई एक गाँव से दूसरा गाँव जाना पड़ेगा, उस समय का वातावरण भी सही नहीं था, बिहार का माहौल वाल भी ठीक नहीं था, बस में ना तो उस समय ऐसा होता था, अब क्या हो गया, अब स्कूल है, लोग डेवलप भी हुए, बिहार वहार में भी, बिहार में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ, जो लोग बिहार में हो आपको पता होगा बिहार में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ, ऐसा होता है डेवलपमेंट नहीं हुआ, बट क्या बोल रहे कि मिनिमम में समझिए, मिनिमम में समझिए कि डेवलपमेंट होता क्या है, तो अभी भी क्या है कहीं ना कहीं कमी है, अब क्या है हर गाँव में स्कूल बन गया तो ग्रोथ तो हुआ, ग्रोथ हुआ ना, स्कूल बन गया तो ग्रोथ हुआ, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टिल नॉट इम्प्रूव, अभी भी बिहार में इंग्लिश मैंडेटरी नहीं,
बिहार में अभी भी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। अब आप बोलेगा सर इंग्लिश इंडिया में तो क्या हिंदी बोलेंगे। देखिए सब इमोशनली आप कुछ भी बोल लीजिए ना, बोलने में क्या है, टैक्स जीएसटी तो लगता नहीं बोलने पे, कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट प्रैक्टिकली समझिए, ये बात आप जॉब का इंटरव्यू में जाकर बोल पाएगा कि नहीं इंडिया में रहते हैं। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट को इंडिया में इंग्लिश बैन कर देना चाहिए, बात समझ। अगर इंग्लिश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा बात समझ, अगर इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है तो गवर्नमेंट को तो इंग्लिश को बैन कर देना चाहिए, हिंदी जो यूज करना चाहिए। सारा बुक हम लोग जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा सर हिंदी में कर दो, बंगला में कर दीजिए, रीजनल लैंग्वेजेस में कर दीजिए। बात वो नहीं है, बात ये है कि कुछ चीज ऐसा है जो एजुकेशन तो हम लोग अच्छा हो रहा है लेकिन एजुकेशन का क्वालिटी अच्छा नहीं हो। तो वी आर ग्रोइंग बट वी आर नॉट डेवलपिंग। जैसे आप लोग अपने आप को देखो ना, सुमित को देखिए, ग्रोथ हुआ, लंबा चौड़ा 6 फीट का है, ग्रोथ हो रहा लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा। डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ क्या बोलिए, माइंड, मेंटल डेवलप। बचपन आया हंसी में एक दोस्त किया, बच्चा लड़का है अभी भी, क्या ग्रोथ हो रहा लेकिन डेवलपमेंट नहीं। सब देखने में रखा है, सबसे लंबा चौड़ा तो वही है ना हम लोग क्लास में। देखिए अगला है एंड अदर सच इंडिकेटर्स विच मेक्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये सारा चीज मिला के जिंदगी को अच्छा बनाते हैं, और अगर किसी कंट्री में ये सारा चीज अच्छा होगा तभी उस कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग क्या है, हम लोग अपने आप को डेवलपिंग मानते हैं, दुनिया वाला हम लोग को अंडर डेवलप मानता है, लेकिन हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं, डेवलपिंग। बस पाकिस्तान से अच्छा है ना सर, बस लड़ाई बात करता हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश। देखो अल्लाह ईश्वर भगवान जिनको भी आप मानते हो, ऊपर वाला हम लोग को कुछ भी नहीं दिया लेकिन एक अच्छा पड़ोसी दिया, इसके बेइज्जती आप हमेशा कर सकते। पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान सब ऑल पुअर कंट्रीज, कौन कंट्री पुअर, हम लोग भी पुअर है, पुअरेस्ट है हम लोग, पुअर वो लोग क्या बाबू, पुअरेस्ट इंग्लिश में ही खेलिए, हम लोग गरीब है वो लोग महागरीब है, अगर हम लोग गरीब है तो लोग महागरीब। तो यहाँ पर ना यही एटीट्यूड के कारण हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे, रीजन कहे हम लोग का क्या होता है, जैसे कोई बच्चा सप्ली खाया तो मान लीजिए 1-2 में सप्ली खाया, बोला हाँ 1-2 में खाया ना, वो तो 4-2 में खाया। अरे भाई तुम सप्ली खाए हो वो तो देखो, बोला नहीं वो बस बोले हम 1-2 में खाए, तो 3-3 में खाकर बैठा हुआ, बाबा हम तो अच्छा थैंक गॉड हम तो अच्छा उससे, कितना पॉजिटिव हो बाबू। अब आइए दस वी कैन से डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव प्रोसेस। आस्ते क्या बाबू, आस्ते बात नहीं, तो ग्रोथ सुनिए ना, बात मत करिए। डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, क्या बोलिए, पहले ग्रोथ होगा तभी ना डेवलपमेंट होगा। तो पहला स्टेज होता है ग्रोथ, दूसरा स्टेज होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ नॉर्मली ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। जैसे आप लोग का कोचिंग का रूम, अब अपना एग्जांपल भी दे दे रहे आपको, कोचिंग का रूम इसमें ग्रोथ नहीं हुआ खाली डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ मतलब रूम का साइज बढ़ा क्या, बताइए आप लोग बहुत बच्चे तो 11 से पढ़ रहे हो, इस बैच में तो बहुत बच्चे हो जो लोग 11 से पढ़ रहे हो, 11 से लेके अभी सेकंड ईयर में आ गए, कभी देखे कोचिंग का रूम साइज बढ़ा, रूम उतना ही बड़ा था उतना ही बड़ा। इसी में क्या हो रहा है डेवलपमेंट, मार 1 AC से 2 AC टाइज ये हेना तेना ये बोलाल, तो हम लोग क्या हम लोग ग्रो नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्या कर रहे डेवलपमेंट, ये भी सही नहीं है। डायरेक्ट डेवलपमेंट कर रहे क्या हो रहा, बैठने में दिक्कत हो जा रहा, इतना भीड़ हो जा रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होना भी ठीक नहीं, ग्रोथ भी होना। तो इसीलिए पहले ग्रोथ होगा फिर क्या होगा वो डेवलप। अगर ग्रोथ करके अब बात समझिए, अब मान लीजिए एक और एसी इधर लगा दिए आदमी को गाली देगा मन में, प्रैक्टिकली बात सोचिए क्या है बोलिए, ओवर नहीं हो जाएगा, इधर एसी लगा दी इधर एसी लगा दी। हम मतलब डेवलपमेंट करने का तमन्ना इतना ज्यादा है कि हम बोले इधर भी 1-2 AC लगाएंगे इधर भी 1-2 AC लगाएंगे, चारों तरफ 2 AC ऑलरेडी है, 2 और लगा दी, 4 लगा दी। तो ये क्या हो गया, ग्रोथ हुआ कि डेवलपमेंट, ये बेकार हो गया, ये हैंडीकैप डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ आप बढ़ा ही नहीं रहे, रूम आप बढ़ा ही नहीं, रूम साइज आप बढ़ा नहीं रहे, ग्रोथ आपका नहीं हो रहा, आपके लिए डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो डेवलपमेंट में क्वांटिटी भी आता है और क्वालिटी भी आता है, याद रखिएगा। इसलिए डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड ग्रोथ इज द नैरो कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ कि नहीं। अच्छा इतना चीज आपको पढ़ा, इसमें से 5 चीज काम का जो पूछ रहे जल्दी बताइए, पांचों का बताइए। व्हेन देयर इज अ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी दिस इज नोन एज ग्रोथ, डेवलपमेंट क्वांटिटी में हो तो क्या बोलोगे, एंड व्हेन देयर इज अ प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। ओके फाइन, HDI का फुल फॉर्म, UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बोलो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया का रैंक कितना है HDI में, 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, अभी एट प्रेजेंट हम लोग कितना नंबर में है, 132। हम लोग का रैंक अच्छा है कि बुरा है, खराब की अच्छा, क्या बाबू, यस। अब आइए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट सही बात नहीं, पूरा कंट्री का डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द अदर हैंड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को GNP के टर्म से मानते हैं, जैसे सीरियल देखते होंगे आप लोग, तो सीरियल में देखते हो गए जहां पे आज खत्म हुआ कल अगला दिन वहीं से शुरू होगा, तो ये GNP पे खत्म हो रहा, क्लास खत्म नहीं हुआ, मतलब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा, मतलब अगला कॉन्सेप्ट क्या है GNP। अब आते हैं नेशनल इनकम। सो गाइस
देखिए नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम मतलब पूरा देश का इनकम, पूरा कंट्री का जो इनकम होता है ना बाबा, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। एक एक आदमी का इनकम को बोलते हैं इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम या फिर पर्सनल इनकम, और पूरा देश का इनकम को क्या बोलेंगे बाबू, नेशनल इनकम। तो इफ एनी वन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, द नेशनल इनकम शोज द एग्रीगेट इनकम ऑफ द कंट्री। यही चैप्टर डिटेल में आपको सेम फाइव में भी पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी भी कंट्री में जितना भी इनका आदमी कमा रहा है, सबका इनकम को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा वो, नेशनल इनकम। तो पूरा देश का इनकम को जोड़ के कौन सा इनकम आता है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम को जोड़ेंगे, सारे लोगों के इनकम को जोड़ेंगे, इंडिविजुअल इनकम को जोड़ेंगे, तो कौन सा इनकम बन जाएगा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा सम्स भी आता है इस चैप्टर में, वो भी करवाएंगे आपको। कभी आता है सम्स, कभी नहीं आता, बट कराना पड़ेगा। आई चाइना हमको तो करना पड़ेगा भाई। अच्छा, दो सबसे बड़ा वर्ड है नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में, आपने भी सुना होगा, क्या जीएनपी, एक है क्या बाबू, जीडीपी। जीएनपी और जीडीपी, आज आप क्लास कर रहे हो लेकिन इससे पहले भी आपने ये वर्ड सुना होगा, एक क्या बाबू जीएनपी और एक क्या बोलिए जीडीपी। जीएनपी और जीडीपी में फर्क क्या, सुनिए। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और बियॉन्ड द कंट्री। या तो कंट्री में या कंट्री के बाहर, मतलब अगर आप एक इंडियन हो और बींग एन इंडियन, या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर कुछ भी बना रहे हो, उसका जो मनी वैल्यू है वो कहाँ काउंट होगा बताइए, जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इट मींस द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। या तो कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर, जो भी आप बना रहे हो, या तो कंट्री में या तो कंट्री के बाहर, जो भी आप बना रहे हैं उसके मनी वैल्यू को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, जीएनपी। बोलिए जी, जीएनपी बोलिए ना, जीएनपी। तो जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या बाबू, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो किसी भी कंट्री का, या तो कंट्री में या तो कंट्री के बाहर, जितना भी सामान बनाया है या गुड्स या सर्विसेज बनाया है, उसका मनी वैल्यू को क्या बोलेंगे, जीएनपी। आपको हम एग्जांपल देंगे ना तो ये पॉइंट क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कौन है, तो इंडियन है, यस नो गाइस। आप लोग कौन हो, इंडियन हो, पूरा समाज क्या है, हम लोग इंडियन है। अभी मान लीजिए हम आप लोग को भी ट्यूशन पढ़ा रहे और पाकिस्तान का बच्चा लोग को भी इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़ा रहे, आप लोग को भी इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़ा रहे, वो बेचारा मासूम लोग को भी इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़ा रहे। अभी आप लोग को पढ़ा के हम 10 रुपया कमाए, आप लोग को पढ़ा कितना रुपया कमाए बताइए, 10। वो लोग को पढ़ा के हम 1 रुपया कमाए, गरीब कंट्री ना, कैसे कंट्री, गरीब कंट्री। 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो इंडिया का जीएनपी में कितना काउंट होगा, 10 काउंट होगा ना, 11 काउंट होगा। विद इन द कंट्री 10, बियॉन्ड द कंट्री 1, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो जीएनपी में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जीएनपी में इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आप कहां सर्विस दे रहे हो, जीएनपी में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कहां के हो। तो आई एम इंडियन, तो मैं इंडिया में या इंडिया के बाहर जहां भी गुड्स या सर्विस दे रहा हूं, उसका मनी वैल्यू को जोड़ के इंडिया का जीएनपी निकलेगा। तो जल्दी बताइए, इंडिया का जीएनपी निकालने के लिए आप इंडिया के अंदर का वैल्यू प्लस इंडिया के बाहर कुछ बनाया उसका वैल्यू, दोनों को जोड़ देते हो, समझे कि नहीं समझे बताइए। तो बताइए जीएनपी में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो जीएनपी में हु इज मोर इंपॉर्टेंट, हु मतलब कौन बना रहा है, ये देखिएगा। अगर आप एक इंडियन हो तो इंडिया का कहां काउंट होगा बताइए, अगर बींग एन इंडियन हम कनाडा, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, कहीं भी सर्विस दे रहे, कुछ भी बना रहे, वो सब इंडिया का कहां काउंट होगा बताइए, बोलो ना, कम ऑन। तो जीएनपी में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हु की वेयर, हु की वेयर, वेयर की हु, हु क्या, क्या उसके सही हो गया। अच्छा, अब आते हैं जीडीपी, बात नहीं बाबू, उसके बाद बुक में पढ़िएगा, हम तो कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बता दे रहे, जो कॉन्सेप्ट होगा उसको घर में आकर के लिख भी लीजिएगा। जीडीपी का मतलब क्या, जहां पे लगे कि ये बात नया है, यूनिक है, लिख दी, ये छोटा ही लिख दिए। जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको डिफाइन पहले करते हैं। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इट डिफाइंस द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर इंडिया में जो भी बनाइएगा, जो कुछ भी बनाइएगा, वो सब इंडिया का कहां आएगा बताओ, बोलो ना, जैसे हम बिहार में ट्यूशन पढ़ाते कहां आएगा, जीएनपी की जीडीपी, बोलो ना, गुजरात में, राजस्थान में, नागालैंड में,
सोचो सोचो नागालैंड इंडिया में ही है बाबू। आप में बहुत सारे बच्चों को नागालैंड तो आप सोचे स्विट्जरलैंड हॉलैंड इंग्लैंड आयरलैंड तो बोले नागालैंड क्या कि इंडिया में नाम है कानपुर नागपुर तो इस तरह गोरखपुर ऐसे यहाँ पर इस तरह का नाम है। तो माय डियर स्टूडेंट इसीलिए बहुत सारे बच्चे ना हम चुप हो गए तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं ये बाहर में होगा दूसरा कंट्री का नागालैंड। तो ये इंडिया के अंदर कुछ भी बनाएंगे कहीं भी सर्विस देंगे भाई वो सारा इंडिया का कहाँ काउंट होगा जीडीपी और इंडिया के बाहर होने से वाला कहाँ काउंट होगा बताइए जीएनपी। जैसे एग्जांपल तेरे बताइए जैसे मान लीजिए हम साउथ अफ्रीका में ट्यूशन पढ़ा रहे है इंडियन ये साउथ अफ्रीका से जो कमाएंगे वो जीडीपी में काउंट होगा ना जीएनपी में। देखिए कॉन्सेप्ट एकदम पानी कर दीजिए क्या कर दीजिए पानी। और मान लीजिए बिहार में ट्यूशन पढ़ाए कहाँ जाएगा गुजरात राजस्थान कोलकाता उसके बाद पंजाब इंडिया के अंदर कहीं भी रहेंगे तो क्या होगा वो जीडीपी। तो याद रखिएगा जीडीपी में क्या मैटर करता है वेयर जीडीपी में द की पॉइंट इज वेयर और जीएनपी में द की पॉइंट इज हु जीएनपी में हु क्या बाबू हु क्या आज जीडीपी में वेयर जीएनपी में हु तो जीएनपी में ये अच्छा। अब मान लीजिए सम एक फॉर्मूला बना देते हैं सम्स बनाएंगे अगला दिन लेकिन फॉर्मूला ओरली बनाते देखिए अगर हमको जीएनपी से जीडीपी निकालना है तो कुछ नहीं करना है जीएनपी से फैक्टर मतलब फॉरेन इनकम माइनस करेंगे जीडीपी आ जाएगी। जैसे एग्जांपल मान लीजिए पूरा जीएनपी है 11 करोड़ एग्जांपल देते हैं इंडिया में 10 करोड़ पाकिस्तान में 1 करोड़ टोटल कितना 11 करोड़ इससे हमको जीडीपी निकालने हैं तो जीएनपी 11 करोड़ में से पाकिस्तान वाला इनकम माइनस कर देंगे 11 में से 1 माइनस करेंगे जीडीपी कितना आएगा 10 क्या बोलते हो हाँ कि नहीं सम्स तो अगला दिन कराएंगे फॉर्मूला भी बताएंगे ओरली आपको कैलकुलेट कॉन्सेप्ट दे रहे जीएनपी से जीडीपी निकालना कैसे निकालोगे जीएनपी मतलब इंडिया और इंडिया का बाहर दोनों को जोड़ के जीडीपी मतलब इंडिया में तो जीएनपी से अगर जीडीपी निकालना है तो कुछ मत करो फॉरेन इनकम को माइनस कर दो यस नो गाइस। तो जीएनपी से जब आप फॉरेन इनकम को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ जीडीपी क्या बोलते हो पब्लिक हाँ कि नहीं बोलिए जीएनपी से फॉरेन इनकम माइनस करेंगे क्या आएगा जीडीपी यस नो। मान लीजिए जीडीपी है आपसे एक सम सोचते हैं बताइए ओरली देख जो सही जवाब दोगे उसका घर में डेयरी मिल्क फोटो पे भेज देंगे बताइए जीएनपी मान लीजिए पूरा इंडिया का जीएनपी है मान लीजिए 10,000 करोड़ और उसमें से फॉरेन इनकम है 2,000 करोड़ तो जीडीपी कितना जीनियस हो भाई जीनियस। अच्छा अगला पॉइंट बताइए इधर द कंट्री आउटसाइड द कंट्री दोनों जोड़े तो क्या हो गया जीएनपी एंड जीएनपी में व्हाट इज इंपॉर्टेंट हु की वेयर क्या हु क्या हु क्या हु जीडीपी में वेयर और बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है जीडीपी है कि जीएनपी जीएनपी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जीडीपी नैरो बोलना गलत होगा जीएनपी बड़ा कॉन्सेप्ट है जीएनपी से ही क्या निकला है जीडीपी बोलिए हाँ कि नहीं यस और नो थैंक यू गाइस।